सभी को आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम दोपहर के 2 बजे से। इससे पहले हमने सुबह से कुछ शूट नहीं किया। सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मेरा फ़ोन पकड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और सुबह भी थोड़ी सी लेट होती है आजकल, रात को लेट सोती हूँ। पर मैं पिछले कल बहुत जल्दी सो गई थी तो सुबह उठ गई थी, वीडियो अपलोडिंग में डाल दी थी, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो जाती है, सुबह डाल के जल्दी आ जाती। अगर मैं थोड़ा लेट भी करूँ ना 10 बजे भी वीडियो डालूँ 9-10 बजे, तो वीडियो इतनी स्लो 8 बजे के बाद वीडियो स्लो मतलब अपलोड होती है, बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटे लगा देती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। और बस अभी हमने लंच वगैरह सब कुछ कर लिया अपने दोपहर का, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, तो आपको तब मिलते हैं नहाने धोने के बाद। मेरा नहाना धोना भी हो गया, मैंने बोला था मैं दोपहर में नहाऊंगी पर मैं शाम को नहा रही हूँ। टाइम 5 बज गए, 5:10:20 हो गए, तो मैं अभी जाके नहाई, और मेरी बहन भी पढ़ रही है अभी। ज़्यादा कुछ था नहीं भाई, पूरे दिन भर कमरे में होते, पूरे दिन भर बोर हो गई मैं अपनी ज़िंदगी से, दिन भर कमरे में रह रह के, सच बताऊँ तो। अब पूजा करूँगी मैं, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बालकनी में टहलूँगी, थोड़ी ताज़ी हवा खा लेती हूँ। पूजा भी मेरी हो गई अभी, अब थोड़ी देर बालकनी में टहलूँगी। यार सच बताऊँ मेरे को सर में ऐसे अजीब जैसा फील हो रहा है, रूम के अंदर रह रह के घुटा घुटा सा, तो बालकनी में चलते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको कितना गंदा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा बेकार। ऊपर वाली तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कितनी धुंध पड़ी हुई है। रोपवे चली उधर, पता नहीं मैं और काश कब जाएंगे रोपवे में, अब तक हम एक बार भी नहीं गए हैं। जाएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे अच्छा सा। ये मैंने यहाँ पर मैगी बना ली है और चॉपस्टिक काश के लिए, ये मेरे लिए, और ये सूप जो है उसे पीने के लिए सिंपल चम्मच। पहले तो इसे ले जाना बहुत टफ है यार, मैंने गलत प्लेट में डाल दिया शायद। अब मैगी खाते और कुछ देखते फोन में, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। गंदा रिएक्शन दिया, क्या मैंने जहर डाला इसमें, कड़वी है ये। भाई चांद देखो, आज फुल मून आया है बिल्कुल, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है बाहर, मौसम ऐसा है, मंदिर तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है हमेशा की तरह। अभी हमने खाना ऑर्डर किया बाहर से, काशू ने, मैंने नहीं किया। घर वाले देखेंगे तो काशू को डांट पड़ेगी, मुझे नहीं, काशू ने ऑर्डर किया, मैं गरीब हो गई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ खाना, है ना। बस सच में घर वाले हमें मार देंगे अगर वो देखेंगे तो। ठीक है, कुछ नहीं है, डांट पड़ेगी, सुन लेंगे हम, अपने पेट के लिए तो इतना कर ही सकते हैं हम, इतना तो। 3 डब्बे मंगवाए हैं इसने, 2 में से तो पक्का नूडल है, 2 नूडल है, 1 में पता नहीं क्या है। मैम बहुत देर कर रहे हो आप, खोल दो। मैम ने अपने हाथ में बहुत घटिया से मैंने ले मैं इसे मेहंदी लगा देती हूँ, ठीक है। इसने बोला नहीं मत लगा, मैंने कहा ठीक है, मैं चलेगी उठ के। भाई इसने इतनी गंदी मेहंदी लगाई है ना, मैगी खा के हमारा मन नहीं भरा था, और मैं तो गरीब हो चुकी हूँ जैसे कि आप सबको पता लग चुका है। तो काशू ने ऑर्डर किया फिर मेरे पे तर्स खा के और खुद पे तर्स खा के, और हम नूडल इंजॉय करेंगे अपनी, खाएंगे बंद निकाल दें फिर खाते। खाना पानी तब हो गया है, अब थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं अपना। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30, मैंने बुक्स अभी बंद की और बस इन्हें मैं रखूंगी टेबल पे। ये देवी बुक्स, ये रहा मेरा टेबल जिसमें आजकल मैं पढ़ना दिन में ही प्रेफर करती हूँ, अभी तो बहुत ठंड हो जाती है तो रात को नहीं पढ़ा जाता, तो बस इन्हें उठाते हैं और रखते हैं उधर।
और ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पर करूंगी। अब बस ब्लॉग एंड करने के बाद मैं सीधे ब्लॉग एडिट करूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय। मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, एंड तो मैंने पहले कर दिया, पर कुत्ते भौंक रहे बाहर, क्या कर सकती हूँ मैं, डिस्टर्ब हो रही हूँ, कुछ नहीं कर सकती। रात के 2 बज रहे हैं, मैंने 12:30 बजे ब्लॉग एंड कर दिया था वैसे। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना काम करने लगी, थोड़ा सा और, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग एडिट करने बैठी 1 बजे, और फिर बीच में मेरे को भूख लगी, फिर नूडल बच गई थी, मैंने वो खाई, नूडल खाए तो साथ में कुत्ते मेरे दोस्त भौंकने शुरू हो गए। ये मेरी तरह जागेंगे अब रात को, मैं भी इनकी तरह जागूंगी, नींद तो आएगी नहीं मेरे को अब जब तक ये शांत नहीं होंगे। चलो क्या कर सकते हैं, सुनते इनके मधुर मधुर आवाज़ें और ब्लॉग एडिट करते हैं साथ में। आप भी सो जाओ, गुड नाइट।